कसरावत तहसील के नावड़ा टोड़ी नर्मदा तट पर नर्मदा जयंती पर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा दर्शन पूजन अर्चन के साथ महाआरती का दौर शुरू हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा घाटों पर श्रद्धालु उमड़े। हजारों लोगों ने सुबह से आस्था की डुबकी लगाई, नर्मदे हर के जयकारे लगाए। सुबह से ही दीप दान के साथ चुनरी उड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। नावड़ा टोड़ी, शालीवाहन, माकड़खेड़ा, नर्मदा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दीप दान पूजन का महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं मां नर्मदा मित्र मंडल की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की एवं हर हर नर्मदे के जयकारे लगाए। वहीं पुलिस प्रशासन भी घाटों पर मुस्तैद रही। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। क्या विशेष किया जाता है यहाँ पर? सर 1997 से जैसे हमने नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू किया था, ये शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटा सा रूप था माँ नर्मदा जी का, आज ये विकराल रूप ले चुका है। हम प्रतिवर्ष माँ नर्मदा जयंती महोत्सव मनाते हैं, जैसे भंडारे का आयोजन होता है, भोजन प्रसादी होता है, और शाम को दीपदान होता है, काकड़ा आरती होती है, आतिशबाजी होती है, भजन संध्या होती है, माँ नर्मदा जी की आरती होती है, अभिषेक होता है। और इसमें श्रद्धालु आते हैं तो क्या पूजा वगैरह करते हैं? जी श्रद्धालु इसमें आते हैं, ये भंडारा जो होता है सार्वजनिक होता है, जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी का इसमें सहयोग रहता है, तो सारे लोग इसमें मिलकर मनाते हैं। श्रद्धालु आकर नहाकर पूजा अर्चना करते हैं? जी बिल्कुल। और क्या दान भी करते हैं? जी अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र केवट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।